जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के वंशों का क्रम का एक बहुत प्यारा सा ट्रिक सीखे थे। आज के इस वीडियो में मुगल वंश के सभी शासकों का क्रम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ याद करेंगे। प्रत्येक परीक्षा में कई बार मुगल वंश के शासकों से संबंधित विभिन्न तरह से सवाल पूछा जाता है। जैसे कभी कभी यह परीक्षा में सवाल आता है कि हुमायूं के बेटा का क्या नाम था, या अकबर के दादा का क्या नाम था, या आता है कि बाबर के बेटा का क्या नाम था, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है। यदि यह ट्रिक आपको याद हो जाए तो कई तरह के सवाल का जवाब आप इस ट्रिक के माध्यम से दे सकते हैं। ट्रिक है, भाजी साहब जी फॉर माँ साहब, भाजी साहब जी फॉर माँ साहब, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। यदि सवाल में पूछा जाए कि बाबर के बेटा के नाम, इससे निकल जाएगा हुमायूं। पूछा जाए कि हुमायूं के बेटा का नाम अकबर, अकबर का बेटा का नाम जहांगीर, जहांगीर के बेटा का नाम शाहजहां, शाहजहां के दादा का नाम अकबर, अकबर के दादा का नाम बाबर। इस तरह से भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। फिर जे से जहांदार शाह, और से फरुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, एस से शाहजहां द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जफर। परीक्षा में सवाल आता है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। कई तरह से घुमा के सवाल पूछा जाता है। यदि यह ट्रिक भाजी साहब जी फॉर माँ साहब आपको याद रहे तो हर सवाल का उत्तर आसानी तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नीला बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।